थी है, ये प्रश्न है कि एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है तो आप उसे राय देंगे। देखो यहाँ पर आप ऐसा मत समझिएगा टीचर की बात हो रही है, सॉरी बच्चे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर टीचर के बारे में बात कर रहा है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि स्टूडेंट की आय वगैरह को लेकर, नहीं, यहाँ एक अध्यापक को अपनी आय, हाँ अपनी आय बढ़ाने के लिए उसे क्या राय देंगे, कि उसे कहेंगे कि आप जाइए शेष वक्त में जो बचा हुआ वक्त है, समय है संस्थानों में पढ़ाने के लिए कहेंगे कि जाओ आप पढ़ाइए तो आपकी जो बची हुई आय है या उसकी अपनी आय, ठीक है, ये अपनी आय के लेकर इनकम करने के लिए, क्या यह एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है? देखिए यहाँ आय, आप आय को रिलेट नहीं करेंगे सब लोग, ठीक है भाई, इनकम से, आय का मतलब इनकम से। ओके ओके ओके, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी कहेगा कि स्कूल और कॉलेज में ज़्यादा आय देने वाले को स्वीकार करना चाहिए, मतलब जहाँ पर ज़्यादा इनकम मिल रही वहाँ पर चले जाना चाहिए आपको। ऑप्शन सी कह रहा है कि अध्यापन के सिवाय अन्य कंस्ट्रेक्चुअल, जिसे आपने अभी बताया मुझसे ना कि KBS में ये कंड, हाँ वेरी गुड, तो KBS में एक भी शिक्षक नहीं है, ये आपका ही स्टेटमेंट है ना, तो बात तो सत्य हो गई आपकी। तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि पुस्तकें लिखे, ये सही जवाब दिया है, दोनों के दोनों लोगों ने सही जवाब दे दिया भाई, सुमन सर भी दिया है और नीतू मैडम ने भी जवाब दे दिया है यहाँ पर, ठीक है भाई, डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तकें लिखे तो अध्यापक अपनी आय को बढ़ाने में ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आप देखो एक गवर्नमेंट टीचर को कोचिंग पढ़ाना तो अलाउ तो है नहीं, आप जानते हैं भली बात तरीके से, है कि नहीं, वो तो वहीं कट जाएगा आपका। ऐसे प्रश्न को आप पढ़ेंगे एक से दो बार, ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं आप लोगों से, और जो मैं कल क्लासेस लूँगा आप लोगों की उसमें रहेगा आपका TGT वाले का, जो TGT स्पेशल एजुकेशन का उसका प्रश्न रहेगा कल वाले में, है ना। हाँ नहीं अभी, अच्छा, न्यू वाला भी अभी नहीं, अभी मैं 2018 का करवाऊँगा, न्यू वाला भी आपका करवा दूँगा, ठीक है, अभी मैं 2018 करवाऊँगा, उसके बाद जस्ट उसके अगर मन बनेगा तो मैं न्यू वाला ही भी ले लूँगा, ठीक है, देखूँगा अगर 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 वहाँ पर मुझे मिल जाता है क्वेश्चन तो वो तो मेरे व्हाट्सएप पे नहीं, अगर आपके पास होगा तो भेजना मुझे, है हाँ ठीक है, ठीक है, फिर आप, ठीक है, आप इसे भेज देना, फिर मैंने पहले आपको जो TGT का अभी हाल ही में हुआ है इसको करवा दूंगा और उसके बाद 2018 करवाऊंगा। इन दोनों में हम लोग वो भी करेंगे, सामान्यकरण भी करेंगे, जनरलाइजेशन भी करेंगे कि कौन सा प्रश्न किसके आधार पे आया है, देखिए, है ना, वहाँ पे जनरलाइजेशन भी कर लेंगे वहाँ पर TGT को लेकर, फिर उसके बाद PRT को 2016 का भी करवा देंगे, ठीक है, ठीक है। तो अभी कल जो मैं करेंगे हम लोग ना, वो 2018 का ही करेंगे, उसके बाद जो आएगी 2018 का, दो पेपर है दोनों को, 18 का एक पेपर करवाएंगे, उसके बाद 21 का करेंगे, दो करने के बाद फिर 16 पे आ जाएंगे, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करें, मतलब अब यहाँ पर देखिए कैसे आप टीचर्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं, मतलब एक, हाँ, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए कि भारत में और विदेशों में जो सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले हैं इसके आधार पे क्या उनको मोटिवेट करेंगे या प्रोत्साहित करेंगे, एक प्रिंसिपल होने के नाते, आप प्रिंसिपल, बाय द वे आप प्रिंसिपल हो गए उस स्कूल में, ठीक है भाई, और जो सीनियर टीचर हैं या जो भी प्रिंसिपल थे उनका क्या हो गया भाई, कहीं तबादला हो गया हो, ट्रांसफ़र हो गया हो, है ना, उसी कंडीशन पे, इमरजेंसी कंडीशन पे आपको बनाया गया है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे आप क्या करेंगे वहाँ पर अध्यापकों को प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए उसे रिफ्रेश रिफ्रेश कोर्स में भाग लेने के लिए कहेंगे, ठीक है, तो जैसे विभिन्न प्रकार के कोर्सेज भी चलाए जाते हैं ना कि आप जाइए भाई ऐसे ऐसे कोर्स को करिए वहाँ पर, ठीक है, तो क्या आप ये उन्हें देंगे। और ऑप्शन सी कहता है कि आप पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवा में भाग लेने के लिए कहेंगे, उपरोक्त तो सभी कहेंगे, क्या कहेंगे इसमें, इसमें सारे लग रहे थे यार, डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे तो, है ना, हाँ करेक्ट हो जाएंगे, डी इज द सही जवाब आपका हो जाएगा। प्रश्न सरल है ना, आसानी से आप इसको पढ़ के भी कर सकते हैं। एक और प्रश्न ले लीजिए,
और ये प्रश्न कह रहा है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक, देखिए एक तरफ आपको सोशल की एक्टिविटी दी गई है और दूसरी तरफ आपको मॉरल एक्टिविटी दी गई है, ठीक है, तो उनके आधार पे जो उनके मूल्य हैं उन मूल्यों को जगाएंगे, तो किन किन चीज़ों पर आप करेंगे? ऑप्शन ए, मूल्यों पर भाषण देंगे। अच्छा जी ठीक है, देख लेते हैं अभी, तो मूल्यों पर भाषण देना, और फिर कह रहा है कि टीवी कार्यक्रम दिखाकर उसे कहेंगे। अच्छा, विद्यार्थियों को सह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करेंगे और धार्मिक उत्सव मनाकर भी। तो देखो, समाज को लेकर भी और मॉरलिटी को लेकर, यानी यार आप लोग अभी सही के सही जवाब दे रहे हैं, सभी का जवाब सही आ रहा है, सी बहुत बढ़िया चल रहा है, अभी तक आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, अच्छी बात है। हाँ, ऐसे आप लोग करते चलिए। एक और प्रश्न ले लीजिए, यहाँ पर देखिए कि मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राय है, क्या अर्थपूर्ण राय हो सकता है? मीनिंगफुल की बात अगर की जाए या सिग्निफिकेंटली अप्रोच की बात की जाए, तो यह एक प्रकार के मूल्यांकन में किन चीज़ों पर बात होगी? एक कह रहा, ओके, कह रहा कि निरंतर और अर्थपूर्ण मूल्यांकन करने के लिए, एक तो सवाल आपके सामने ये दे रहा है। दूसरा आपसे कह रहा है कि टर्म के अंत में, मतलब कोई एग्ज़ाम जो हो रहा है वो स्टेप बाय स्टेप के अंत में आप मूल्यांकन का एक सर्वाधिक अर्थपूर्ण राय मानेंगे, और यहाँ पर विद्यार्थियों का एक, अगर मैं आपसे बात करूँ तो कैलकुलेटिव करने के, मतलब एक प्रकार से गणना के संबंध में रिकॉर्ड रखने के परिप्रेक्ष्य में, क्या आपका ये मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा? क्या आप सेमेस्टर वाइज आप इसको करेंगे? तो यहाँ सही जवाब जो होगा, निरंतर कंटिन्यू, अगर आप किसी शिक्षक की या किसी भी क्रियाविधि का आप बराबर सतत लगातार मूल्यांकन करेंगे, वो भी एक प्रकार से मूल्यांकन जो होता है रिप्रेजेंट होता है अर्थपूर्ण में भी, तो अर्थपूर्ण जो होगा वो आपका व्यापक वाले में हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन प्लस में कंटिन्यू, ये दोनों मूल्यांकन बहुत बेटर माना जाएगा, टर्म के अंत में नहीं होगा ये, ठीक है नीतू मैम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो मूल्यांकन के एक बताया भी गया होगा आप लोगों को, मूल्यांकन दो टाइप के होते हैं, एक प्रकार से कंटिन्यूअस में आता है, एक कॉम्प्रिहेंशन में आता है, तो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंशन, जब कंटिन्यूअस करेंगे तो ऑटोमेटिक टर्म के एंड में आ जाता है वो चीज़ें, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है ना। चलिए एक और प्रश्न लेती है आप लोग, और कह रहा है कि शैक्षणिक तकनीकी का उपयोग करिए, और शैक्षणिक तकनीकी उपयोगी है, बताइए क्यों उपयोगी है भाई? क्योंकि वह, अगर मैं बात करूं तो वक्त की ज़रूरतों पर होता है, क्या ये जो है प्रख्यात संस्थाओं के द्वारा अपनाई जाती है शैक्षणिक तकनीकी, क्या ये अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाने की बात? अच्छा, ऑप्शन डी कहता है कि क्या विद्यार्थियों की अध्यापन और तालीम की प्रवृत्ति और उसको आकर्षित करने के लिए होती है शैक्षणिक तकनीकी? बताइए जरा, बताइए बताइए, सुमन सर आपका जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं, तो इसका जो सही जवाब होगा कि शैक्षणिक तकनीकी का जो उपयोगी होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब यहाँ पर होना चाहिए आप लोगों का, सही जवाब इसका होगा यहाँ पर कि विद्यार्थियों को अध्यापन और तालीम प्रवृत्ति के लेकर आकर्षित करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। सी, देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है आप लोगों से, कह रहे वह अध्यापन जो अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाने के बारे में बात कर रहा है, तो वहाँ पर वो एक्टिविटी, वो टीचिंग इफेक्टिव जो एक्टिविटी है वो ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो जाएगी आपकी इसमें, जहाँ पर आप विद्यार्थियों की तालीम की प्रवृत्ति को आकर्षित करेंगे। अच्छा, अगर बात करो, हाँ अगर मैं बात करूँ तो एक प्रकार से यहाँ अगर देखें तो भूध, हाँ, ये एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जरा ध्यान से सुनिएगा, हाँ यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिए, यह एक प्रकार की जो एक्टिविटी हो जाएगी आपका निष्पक्ष भाव का हो जाएगा, ठीक है, निष्पक्ष भाव हो जाएगा, और निष्पक्ष भाव ये भी हो जाएगा, बट जो शैक्षणिक तकनीकी का उपयोग होता है बच्चों को, अगर हमें, देखो हमें बात करनी, अगर यही क्वेश्चन आपका होता उच्च एजुकेशन पर, उच्च शिक्षा पर, जैसे मैं यूजीसी को आप लोग पढ़ाता, यूजीसी की तैयारी करवाता, तो आप लोगों से मैं ऑप्शन नंबर डी को नहीं बताता, फिर ऑप्शन नंबर सी को बताता,
फिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाता है वहाँ पर, क्योंकि वह अध्यापन इफेक्टिव आपको बनाना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि वह व्याख्यान विधि होती है। लेकिन आप जब बच्चे को जब एजुकेशन करवाएंगे तो उनको तालीम से, उनको संस्कृति के माध्यम से जब उनको आकर्षण वाली कोई एक्टिविटी करवाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, वो शैक्षणिक गतिविधियों में आगे बढ़ेंगे, क्रियाकलापों में आगे बढ़ेंगे और उसमें रुचि भी रखेंगे। तो इस वजह से यह ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बट अगर उच्च शिक्षा की प्रणाली की बात होती यहाँ पर, कि उच्च शिक्षा प्रणाली में सी लगा हुआ था, आई थिंक सी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे सी का जो करेक्ट जवाब होना चाहिए इस प्रश्न का, मैं आपको बताऊं, ये उच्च शिक्षा प्रणाली की बात करता है और उच्च शिक्षा प्रणाली अर्थपूर्ण की बात करता है, कार्य क्षमता यानी यहाँ पर इफेक्टिव टीचिंग इफेक्टिव की भी बात करता है, प्लस में यह व्याख्यान की विधि भी बात करता है, ठीक है, उस उन चीज़ों के बारे में चर्चा करता है, टीचिंग टेक्निक यहाँ पर हाई लेवल के हायर एजुकेशन की बात करता है। लेकिन प्राइमरी वाले के जो बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे हैं छोटे छोटे, आप वहाँ पर व्याख्यान विधि को नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पर आप खेल विधि को लगा सकते हैं। उनकी अगर मैं बात करूँ तो एक खेल खेल के माध्यम से, प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से उनको क्या करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो तालीम प्रवृत्ति वाली सबसे बेटर मानी जाती है, टू वर्ड्स टीचिंग एंड द लर्निंग एक्टिविटी वाली, ये आपका सही माना जाएगा यहाँ पर, अट्रैक्टिव आप यहाँ से बना सकते हैं उसको, डी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है भाई, इसका डी करेक्ट माना जाएगा। एक और प्रश्न देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक टीचर को अपने विषय में निपुण होना आवश्यक होना चाहिए, बताइए जरा किस में निपुण होना चाहिए एक टीचर को, एक टीचर को निपुण होना चाहिए बताइए कैसे। जी, एक टीचर को कहना है कि विषय में अगर निपुण होना है तो जागृत के लिए होना चाहिए क्या, नहीं भाई गलत हो रहा है यहाँ पर, जागृत के लिए नहीं, विद्यार्थियों के प्रभाव को डालने के लिए भी नहीं होगा, दिलचस्पी के लिए भी नहीं होगा। तो एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होने के लिए, अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए कार्य करने चाहिए, तो ऑप्शन डी सही बता रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर इफेक्टिव वाला ये आपका सही हो जाएगा, कि अध्यापन का सार्थक बनाना आपका बेटर माना जाएगा एक अध्यापक को निपुण होने के लिए, ठीक है, डी करेक्ट है आपका सही जवाब। किंडरगार्टन के बारे में बताइए जरा, किंडरगार्टन पद का अर्थ क्या होना चाहिए, बच्चों का होना चाहिए कि बच्चों के घर का होना चाहिए कि बच्चों का स्कूल, खेल का मैदान, ओके। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, किंडरगार्टन, ठीक है भाई। अच्छा जरा किंडरगार्टन की जो प्रणाली है ये किस विद्वान ने दिया है, आप लोगों को मैंने एक प्रॉब्लम, वेरी गुड, मैंने आपको एक पीडीएफ भी भेजा है, कम से कम 7-8 पेज की होगी, प्रोजेक्ट मेथड पर है ना, उसको भी पढ़ के जाइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। प्रोबेल के द्वारा किंडरगार्टन, और यह है बच्चों को खेल के मैदान के द्वारा सिखाया जाना, ठीक है, तो चिल्ड्रन प्लेग्राउंड, तो ये सही जवाब हो जाएगा। बच्चों देखो हमें बात करनी बच्चों के आधार पे है ना, हम प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 64 आपसे ये बोल रहा है कि कह रहा है कि शिक्षण के ऊपर कोठारी मिशन, हाँ कोठारी कमीशन, हाँ रिपोर्ट जो है शीर्षक थी सबसे, आप बताइए जरा कोठारी कमीशन क्या थी, बताइए कोठारी कमीशन। अच्छा जी सही बता रहे हैं आप कि ऑप्शन, अगर मैं ए की बात करूं तो शिक्षण और राष्ट्रीय विकास की बात करता है, ठीक है भाई, और अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो लर्निंग टू बी की बात करता है और शिक्षण की विधि की बात करता है, शिक्षण सभी के लिए होना चाहिए यह आपसे बता रहा है क्वेश्चन नंबर। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि शिक्षण सभी के लिए होना चाहिए तो क्या ऐसी बात कोठारी आयोग की या कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में सबसे ऊपर रखने की बात कही गई थी, एजुकेशन को एक प्रकार से अगर बताऊं तो शीर्षक में रखने की बात कही गई थी कि सभी शिक्षण जो है सभी के लिए हो, ऐसी बात कही थी किस कोठरी। देखो ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहां आप नहीं, देखिए मेरी बात को जरा समझिए, ओके चलिए ठीक है, एक बार मेरी बात को जरा सुनिए ध्यान से आप सभी लोग। पहली तो मैं एक चीज़ बता दूं, आपने नाम सुना होगा डॉक्टर दौलत सिंह का नाम, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा आप लोग, अच्छे से समझिएगा तो जो चीज़ें मैं बोलूँगा वो अपने आप में एक प्रश्न देगा आप लोगों को। तो कोठारी कमीशन के जो
एक प्रकार से जो लाया गया था भारत सरकार या भारत के केंद्रीय सरकार के द्वारा, वो थे डॉक्टर दौलत सिंह के द्वारा। और ये आपको 1964 आपको देखने को मिलता है, 1964 में इसकी जो मिलता है। ये जो इसका उद्देश्य था ना, इस कोठारी कमीशन का, इस कोठारी कमीशन का उद्देश्य यही था कि शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार लाना था। और ये कहता था कि भारत सरकार को एक उचित सुझाव देता था, ये कोठारी कमीशन क्या देता था, सुझाव देता था। बात को समझिएगा अच्छे से आप सभी लोग। और भारतीय शिक्षा को हर प्रांत में है ना, हर एक प्रांत में समान रूप से लागू किया जाए और शिक्षा को स्तर को समान बनाने के लिए सुझाव भी प्रस्तुत किए जाए। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली की एकरूपता लाने की जो जिक्र करता है वो कौन करता है, वो आपका कोठारी आयोग करता है, कोठारी आयोग करता है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर, ये आपने जो नाम बताया है अभी यहाँ पे, शैक्षिक परिषद के रूप में, क्योंकि यहाँ पर जो है कोठारी आयोग, जब फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और रूस कि एक शैक्षिक परिषद के सदस्य के रूप में जब इनको रखा गया था, तो उस समय शीर्षक जो उसका था, शिक्षण और राष्ट्रीय विकास था। सभी के लिए शिक्षा की बात नहीं थी यहाँ पर, ये आपका गलत हो जाएगा सुमन सर। शिक्षण और राष्ट्रीय विकास की बात इसने किया था, जो कोठारी आयोग फ्रांस भी, ब्रिटेन भी, जापान भी, अमेरिका और रूस शैक्षिक परिषद के सदस्य के रूप में जब ये लोग आ गए थे, तो उस दौरान ये बात कही गई थी उस रिपोर्ट में, शीर्ष के नाम पर या शीर्ष स्थान पर इसको रखा गया था। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इसमें, कोठारी आयोग। बात समझ में आई? तो ये स्वतंत्रता होने के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार जो है विभिन्न तरीके से हुआ, निर्माण भी हुआ। ठीक है, तो लोगों का यहाँ पर जो हो जाता है, कह देते हैं कि भाई सभी के लिए शिक्षा, तो सभी के लिए समान शिक्षा की बात जो होती है वो, अच्छा हेलो, हाँ एक बार म्यूट हो जाइए आप सभी लोग, म्यूट हो जाइए। ठीक है, एक बार म्यूट हो जाइए तो शायद आवाज़ मेरी जाएगी। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था, आप सबको ये बता रहा था कि कोठारी आयोग जो है एक प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा की बात करता है, राष्ट्रीय शिक्षा की बात करता है। तो वहाँ पर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, जो हो जाएगा शिक्षण और राष्ट्रीय विकास हो जाएगा। ये आपका उस रिपोर्ट में शीर्षक स्थान पर रखा गया था। सभी के शिक्षा के लिए बात होती है, तो ये कन्फ्यूज़ है अभी कि ये राष्ट्र की बात कर रहा है कि प्रांत की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। ठीक है भाई, और हर प्रांतों में ये बात आप जानते हैं भली बात तरीके से कि सभी को शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए। ये बात अभी मैंने UNRPD के अकॉर्डिंग कल वाली जो क्लास हुई थी सुमंत सर, उसमें सभी के लिए शिक्षा जो देने की बात की गई थी, सामान्य बच्चों के रूप में देखने के लिए बात की गई थी कि हमें स्पेशल बच्चों को भी देखें सामान्य बच्चों की जगह पर, तो वो बात ऐसी क्रियाविधि जो हो जाती है ऐसी क्वेश्चन पर, आपका वो जवाब सही हो जाता है, UNRPD वाला सही जवाब हो जाता है, जो 2006 में आया था, जिसके आधार पे RPWD एक्ट बनाया गया था स्पेशल एजुकेशन को लेकर। ठीक है, तो यहाँ आपको मैं बता दूँ, यहाँ आप भारत सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा और नीति का निर्माण में सहायता के लिए एक उचित सुझाव प्रदान के परिप्रेक्ष्य में जो आया था, वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आपका जवाब जो हो जाएगा ए हो जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता की सुधार करना, ये आपका पहला हो जाएगा उद्देश्य, आप ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में उद्देश्यों से भी प्रश्न बनाए जाते हैं। दूसरा, आपको मैं बता रहा हूँ कि भारत में शिक्षा नीति का निर्माण में सरकार को एक उचित सुझाव प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें भारतीय शिक्षा के स्तर में वृद्धि की जा सके। तो भारतीय शिक्षा में स्तर को वृद्धि करने के लिए तो शिक्षा नीति का निर्माण होना चाहिए, ऐसी बात कोठारी आयोग कहता था। फिर कहता था कि भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर किया जाए और उन कमियों के कारणों का पता लगाया जाए और फिर उसकी सूचना जो है भारत सरकार को प्रस्तुत की जाए, और ये जो प्रस्तुत किया जाएगा वो शिक्षण और राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में ही होना चाहिए, ऐसी रिपोर्ट भी। ठीक है, इनके आधार पर शिक्षा जो होगा भारत का, वो हर प्रांत में समान रूप से लागू होना चाहिए। तो समान रूप के लागू होने की बात तो करता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और शिक्षा स्तर को जब समान रूप से उसे बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत की बात होती, तब यहाँ पर ये बात सही हो जाता कि आप समान रूप से क्या बना रहे हैं, एक प्रकार से शिक्षा का सुझाव के लिए आपने एक प्रस्तुत या एक अपने शिक्षा प्रणाली को एक रूपता में लाने के लिए प्रस्तुत किया है सुझाव को, तो वो आपको सही माना जाता है। लेकिन आप यहाँ पे सुझाव नहीं दिया है, यहाँ सीधा दे दिया कि शिक्षण सभी के लिए, तो
तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा, मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दिया है आप लोगों को। कोठारी आयोग से कुछ इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ जो आप सबके एग्ज़ाम के लिए एक नंबर देगा। जैसे मैं कहूँ, कोठारी आयोग कहता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो आयु होगी वो 1 से लेकर 3 वर्ष तक होगी। ये मानता है कौन? ये मानता है कोठारी आयोग। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ आपसे, तो दूसरी बात ध्यान रखिएगा, निम्न प्राथमिक स्तर, तो एक था पूर्व, एक है निम्न। तो निम्न जो प्राथमिक स्तर, जो प्राथमिक शिक्षा होगा, उसकी आयु होगी 4 से लेकर 5 वर्ष। तो आपसे कभी ये भी प्रश्न बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है। और तीसरी अगर मैं बात करूँ, उच्च प्राथमिक शिक्षा, ये उच्च प्राथमिक शिक्षा जो होती है 4 वर्ष की अवधि तक ही होती है, उच्च प्राथमिक शिक्षा। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे भाई निम्न तो होता है 4 से 5, तो भाई उच्च प्राथमिक होना चाहिए 5 से कुछ ऊपर की। नहीं, आप ध्यान रखिएगा कि 4 वर्ष की अवधि को ही बोला जाता है उच्च प्राथमिक शिक्षा भी, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। माध्यमिक शिक्षा की अगर मैं बात करूँ, तो 2 वर्ष की होती है। अब यहाँ पर अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये 2 वर्ष तक होती है, और 2 वर्ष तक की आप समझ जाइए कि यह जो है 2 वर्ष तक की कौन कौन सी क्रियाविधि होती है 2 वर्ष की। जैसे आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि माध्यमिक, जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई ये प्राथमिक है या माध्यमिक है, ये उच्च प्राथमिक है, ये उच्च माध्यमिक है, ये हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, और उच्चतर माध्यमिक 2 वर्ष की ये भी होती है, और आपका स्नातक शिक्षा जो होता है, स्नातक शिक्षा आपका 3 वर्ष की होती है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। और परास्नातक जो शिक्षा होती है वो आपका 2 से 3 वर्ष होती है। हाँ, 2 से 3 वर्ष भी होती है, 3 वर्ष भी इसको इन्वॉल्व करिएगा इसमें। और आपका एक अनुसंधान होता है, रिसर्च भी होता है, लेकिन रिसर्च में आप अलग अलग तरीके से देखते होंगे, कहीं 5 वर्ष भी लिखा हो जाता है और कहीं कहीं 2 से 3 वर्ष भी देखने को मिल जाता है हमें, तो ठीक है। और वैसे कोठारी आयोग 2 से 3 ही माना है, 5 नहीं माना है, याद रखिएगा कोठारी आयोग रिसर्च को। आप इतनी बात तो समझ गए होंगे भली भांति तरीके से भाई, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बेसिकली कोठारी आयोग ने पाठ्यक्रम को जो विभाजन किया था वो 4 भागों में ही विभाजन किया है, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रणाली, बस इतनी ही चीज़ों में उसने डिवाइड किया है 4 भागों में। अच्छा, ओके, हाँ, पीएचडी हुआ स्नातक, उसको रिसर्च बोलते हैं, अनुसंधान, अनुसंधान शिक्षा, रिसर्च, शोध, अन्वेषण, बहुत सारे नाम है उसके, है ना। तो ये प्रश्न था, 2 से 3 वर्ष मांगना है कोठारी, बाकी हायर एजुकेशन जब आप पीएचडी कर, जैसे आप नेट जेआरएफ हो जाते हैं तो जब करेंगे तो वहाँ पर 5 वर्ष का हो जाता है वो, लेकिन कोठारी आयोग के अंतर्गत वो फिर नहीं आएगा आपका, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, रिसर्च के परिप्रेक्ष्य में भी, दृष्टिकोण में भी कोठारी आयोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ये आपका प्रश्न है आपके सामने कि विदा, विदा का सबसे उचित उचित अर्थ क्या होता है। विद्या कह सकते हैं, विद्या का मतलब एक प्रकार से आप इसे लर्निंग कहेंगे, है ना। अच्छा, ज्ञान की जागृति होगा, और इनका कहना है कि व्यवहार का बदलाव। ओके, यह प्रश्न का जो जवाब होना चाहिए आप लोगों को बता दो। हाँ तो हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं सीखने की उचित अर्थ की बात करूँ सुमंत सर, तो वो व्यवहार में बदलाव का सबसे बेटर होना चाहिए, सबसे बेटर आपका ये आंसर सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो सीखने के परिपेक्ष में अगर अर्थपूर्ण की जिक्र की जाती है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी हाँ बताइए, सीखने का क्या, सीखने का अर्थ, देखिए सीखने का अर्थ जो है ज्ञान और जागृति होती है। ठीक है, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, ओके
अच्छा देखो मेरी बात सुनिए। हाँ, देखो मैं आपको बताऊँ, एक शब्द यहाँ पर आपको पकड़ना था ये कि जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं विद्या, इसका एक यहाँ पर इंग्लिश भी देख लें तो शायद आपको और आसानी हो जाए। इसका मीनिंग लर्निंग से हो रहा है और लर्निंग का अर्थ होता है एक प्रकार से सीखने से, ठीक है भाई। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम से। तो जो अधिगम का सबसे उचित अर्थ की बात किया जाता है वो व्यवहार में बदलाव की बात की जाती है, और हम हमेशा लाइफ जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं सारी चीज़ें। तो मॉडिफिकेशन जो है सबसे बेटर माना जाएगा यहाँ पर, चेंजेस, परिवर्तन, व्यवहार को चेंजेस या परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए, और यहाँ पर कह रहा है आपसे कि विद्यार्थियों विद्यार्थियों की ज़रूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट होता है तो वह क्या होगा? शिक्षण की फिलॉसफी होगी, कि शिक्षण का मानस शास्त्र होगा, शिक्षण का समाज शास्त्र होगा, कि शिक्षण की राजनीति होगी? ओके ओके, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। क्या आपका यहाँ पे साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन नहीं होगा कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों और रुचि के अध्यापकों को ज्ञान जो विषय को समाविष्ट करे? बताइए जरा, यहाँ आपका करेक्ट, हाँ बी आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब होना चाहिए सुमंत सर, ठीक है। यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साइकोलॉजी तो कभी, हाँ तो कभी कभी आपको क्या करना होता है कि ऐसे प्रश्नों को, मैंने आपको बताया था एक बार कि मैंने ऐसे क्वेश्चन एक बार जब किए थे तो मैंने पूरा, हाँ, तो मैं आपको बता दूँ, कभी भी कोई भी प्रश्न करना आप लोग DSSB में, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए मेरी, ऐसा कोई भी प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा। जैसे प्रश्न अगर आपसे कह दे, आपसे सीधा एक ही प्रश्न बोले और सीधा कह दे कि भाई बताइए जरा किंडरगार्टन के जनक कौन है, तो आप कह दोगे फ्रोबेल, सीधा सीधा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बात अगर आपको पता है और आती है, उसके बावजूद भी फिर भी आपको देखना है इंग्लिश का, फिर भी इंग्लिश देखना है आपको। मैं बता रहा हूँ DSSB का इंग्लिश जो है इजी है, हिंदी बहुत टफ है उसका, ध्यान रखिएगा। हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर कितने भी जो भी सरल से सरल प्रश्न होगा आप उसे हल्के में नहीं लेंगे, आप उसे जरूर देखेंगे, ठीक है भाई, उसे जरूर इंग्लिश में देखेंगे, वो जो कि आपको आ रहा है उसके बावजूद भी देखेंगे आप उसकी इंग्लिश, किसी भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इंग्लिश बदल देता है आपको एक नंबर, मतलब आपको चेंजेस कर देगा दूसरी तरफ भी। अभी बहुत सारे प्रश्न आप देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न। तो यहाँ पर एक प्रश्न और देखिए कि शिक्षण में कार्य का अनुभव का मतलब क्या होना चाहिए? शिक्षण में जो कार्य का अनुभव है उसका क्या मीनिंग होना चाहिए? क्या ग्रामीण के साथ उत्पादकता के लिए शिक्षण होना चाहिए? क्या नई समाज व्यवस्था के लिए कार्य करना चाहिए? क्या आपका औद्योगिक और टेक्नोलॉजी विश्व का अनुभव होना चाहिए? क्या व्यवसाय लक्ष्य, यानी यहाँ पर लक्ष्य की बात हो रहा है, अभ्यासकर्ता के प्रति दिग्विन्यास का शिक्षण देना चाहिए? ठीक है भाई, यहाँ पर सबके जवाब आ रहे हैं डी, तो मैं भी डी की तरफ ही जाऊँगा, और ये डी ही सही है, इसका करेक्ट जवाब है कि शिक्षण में कार्य का जो अनुभव का मतलब होता है, एक्सपीरियंस का मतलब होता है। हाँ डी फॉर, नहीं, अच्छा बी फॉर बॉम्बे, अच्छा, बी फॉर, ओके 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 ओके, मैं बता रहा हूँ आपको, बी गलत है आपका। देखिए यहाँ पर प्रश्न ये है कि आपको बताना है यहाँ पर कि शिक्षण, शिक्षण का मतलब एजुकेशनल का मतलब, आपको उसमें जो कार्य का अनुभव है, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, उसका मतलब बताना है। तो क्या आप बताइए उसका जो अनुभव है या मतलब है, क्या वो नई समाज व्यवस्था के प्रति कार्य करने के लिए कर हो सकती है? क्या वो आपका किसी व्यवसाय को लेकर अभ्यासक्रम के प्रति दिग्विन्यास, दिग्विन्यास टूवर्ड्स ओकेशनल की बात कर रहा है, एक प्रकार से बात कर रहा है यहाँ पर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है अनुकूल। क्या होता है इसका मतलब? दिग्विन्यास का मतलब अनुकूलन। अब शायद आप समझ गए होंगे एक प्रकार से अनुकूलन दिग्विन्यास शब्द को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जरा अब मुझे बताइए कि बी करेक्ट है कि डी करेक्ट है,
कि आप बताओ समाज की व्यवस्था में काम करेंगे ऐसी क्रियाविधि को लेकर, जहाँ पर कार्य के अनुभव का मतलब बता रहे हैं इस एजुकेशन में, कि आप वो काम करेंगे कि जो ओकेशनल के आधार पर एजुकेशन में अनुकूलित कर रहे हैं लोगों को, या एक प्रकार से उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप, क्या ये सही मानेंगे बताइए? यहाँ पर समाज, नई समाज व्यवस्था बनाने के लिए काम होगी क्या? आपको नई समाज व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है इस समय? 2021 का प्रश्न, तो एग्जामिनर तो ऐसा भी नहीं सोचेगा कि भाई नई समाज की व्यवस्था बनाई जाए कोई, ऐसा है ना? ठीक है, तो यहां पर सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व्यवसाय को लक्ष्य को मानने के यहां पर क्या करने की बात किया है, एक अनुकूलित करने की शिक्षण की क्रियाविधि माना है। तो करेक्ट जवाब इसका जो हो जाएगा आपका डी ही सही माना जाएगा यहां पर। ठीक है सुमन सर, अब देखिए यहां पर कि संपूर्ण शिक्षा की जो संकल्पना है, संकल्पना का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की अवधारणा होता है, इस संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? संपूर्ण शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, संपूर्ण शिक्षण की बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, इंटीग्रेल एक्सपीरियंस की बात हो रही है, तो जरा आप मुझे बताइए अच्छे से सोच समझ के। विवेकानंद जी, ओके भाई, संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये भी प्रश्न जो है आप सबसे पूछा भी जा सकता है, और इसका मतलब जो होता है मैं आज आपको बता भी देता हूँ, और इसका सही जवाब जो होगा श्री अरविंद होंगे, श्री अरविंद करेक्ट जवाब होंगे इसके। भाई बताइए जरा, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिए, बस ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। अरविंद, चलिए अब बताइए यहाँ पर। हाँ तो अब मैं आप लोगों से ये बता रहा था कि संपूर्ण शिक्षण की जो संकल्पना है ये किनके द्वारा दिया गया है, जरा मुझे बताइए। आपने नाम सुना होगा अरविंद का नाम, महर्षि अरविंद जी का, और इसने एक शिक्षा दर्शन में, शिक्षा दर्शन में अरविंद ने भारतीय शिक्षा चिंतन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरविंद, श्री अरविंद, महर्षि अरविंद इनको बोला जाता है, और इन्होंने मानव जो सांसारिक है उसकी जीवन में भी दैविक शक्तियां प्राप्त कर सकती है, इस तरीके की क्रियाविधि की दर्शन के बारे में इन्होंने बात किया था। तो अगर आपसे ये भी मिल जाए क्वेश्चन कि अति मानस और अति मानव, ठीक है भाई, में परिवर्तित हो जाता, अति मानस अति मानव में परिवर्तित हो जाता है, इस तरीके की क्रियाविधि भौतिक जीवन को जो रिलेट करता है वो महर्षि अरविंद जी का है, महर्षि अरविंद जी का है। और याद रखिएगा कि इन्हीं की दृष्टिकोण में भी जो आदर्शवादी उपागम था उनके दृष्टि से यथार्थवादी, क्रियाओं की दृष्टि में प्रयोजनवादी का एक महत्वाकांक्षा के बारे में बात की गई थी। महत्वाकांक्षा का मतलब होता है एक प्रकार से इंपॉर्टेंस दिया गया था उसको लेकर। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट जवाब जो होगा आप लोगों का वो होगा अरविंद अरविंद जी का। तो इन्होंने 1908 में राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया था अरविंद जी ने, और उन्होंने ही इसके अवधारणाओं के बारे में संपूर्ण शिक्षा की संकल्पना, ये एक प्रकार से फैक्ट पर आधारित प्रश्न है याद रखिएगा, और ये संपूर्ण शिक्षा की जो संकल्पना है वो श्री अरविंद जी के द्वारा दी गई है याद रखिएगा आप लोग इसे। शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य विकासशील आत्मा के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, यानी होल मतलब जितना सारा चीज़ है, सर्वांगीण विकास यानी चौमुखी विकास जिसको आप कहते हैं कि भाई शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, नैतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास हो, संचार का विकास हो, तो ये सभी विकासों के बारे में जो बात होती है एक संपूर्ण शिक्षा में विकास होता है, इस तरीके की अवधारणा महर्षि अरविंद जी ने दिया है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, फैक्ट पर क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा संपूर्ण शिक्षा श्री महर्षि अरविंद जी हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इमोशनल। अच्छा यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विद्यार्थियों की संवेगी आयोजन सार्थक होता है, बताइए जरा संवेगी आयोजन
जो होता है वो सार्थक होता है व्यक्तित्व बनाने के लिए, कि पूर्व अभ्यास में, कि अनुशासन में, कि सभी में, बताइए। डी करेक्ट होना चाहिए, वेरी गुड, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कि व्यक्तित्व बनाने में भी होता है, क्लास टीचिंग में भी होता है, और अनुशासन में, डिसिप्लिन में भी होता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर जो संवेगी आयोजन सार्थक होता है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी आपका, बहुत अच्छा। यहाँ पर एक बात करिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन को लेकर, और ये क्वेश्चन ये है कि श्याम, ठीक है भाई, यहाँ पर देखो श्याम फलक, यानी ये एक प्रकार से आपने नाम सुना होगा श्यामपट, हिंदी में बोलते हैं, या इंग्लिश में से ब्लैक बोर्ड भी कह सकते हैं, है ना, इंग्लिश में। शिक्षण प्रसार के लिए कौन सी श्रेणी, श्रेणी मतलब आप इसे कह सकते हो ग्रुप या कैटेगरी में समाविष्ट किया जा सकता है, बताइए जरा, श्राव्य साधन में, दृश्य साधन में, और कि आपको श्राव्य और दृश्य साधन में, कि उपरोक्त सभी में। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, देखो देखने का काम हो रहा है, पहली चीज़ तो आपको ये तो बात क्लियर हो रही है, श्यामपट जो शिक्षण प्रसार में यूज़ में आता है तो वो देखने काम में आता है, ये बात तो आपको भली भांति तरीके से पता है ना, देखने का ही। तो आप बताइए कहाँ से होगा सुनने का, श्यामपट का भी काम कोई करता है कि भाई श्यामपट कुछ ऐसी चीज़ निकालती है आवाज़ वगैरह जिससे आप सुनते हैं, बोलिए बी फॉर बॉम्बे ना, बी फॉर बॉम्बे होगा करेक्ट, बोलिए बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा, यहाँ पर डी नहीं होगा इसका सही जवाब, ठीक है भाई, सही जवाब बी है आपका यहाँ पर। चलिए एक और प्रश्न लीजिए, प्रश्न समझ में आ रहा है भाई, बता दीजिए, हाँ बोलिए, हाँ अच्छा 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 चल ठीक, फिर तो ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। सुमन सर आपके यहाँ से ना बैकग्राउंड आवाज़ जैसे कुछ ऐसे हवा वगैरह चलती है या कुछ ऐसा होता है, ऐसे फ़ोन से आपके यहाँ से आती है ऐसी आवाज़, जैसे आप कहीं चल रहे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपके यहाँ से बैकग्राउंड आवाज़ आती रहती है। चलिए कोई बात नहीं, और यहाँ पर हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल में या शिक्षण कौशल से संबंधित होना है या उससे होता है, शिक्षण कौशल से, बताइए चला, क्या आपके पास श्याम फलक भी होना चाहिए, जिससे श्याम फलक पर लिखना, ये भी आपका शिक्षण कौशल से संबंधित होना चाहिए क्या, एक तो प्रश्न ये है आपके सामने। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नों को सुलझाना, क्या ये है भी एक प्रकार का शिक्षण कौशल होगा, क्या आपका प्रश्न पूछना भी शिक्षण कौशल होगा, डी करेक्ट हो जाएगा डी, हाँ सर बस, हाँ करेक्ट, सही, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। एक प्रश्न और आपके सामने आ रहा है कि 72 नंबर का है ये, और प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थी जो वर्ग में प्रश्न पूछता है उसे क्या कहेंगे, वर्ग में जो प्रश्न पूछता है उसे हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी, ठीक है, तो आप इसको अगर याद रखेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। देखिए वर्ग के बाद अध्यापक को मिलने की सलाह देनी चाहिए, वर्ग के बाद, ठीक है भाई, ये चीज़ है, क्या वर्ग में चर्चा के दौरान भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, है अच्छा, वर्ग का मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्लास है, वर्ग का मतलब क्लास है, और इनके अच्छा यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रश्न पूछने पर जारी रखने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, कि उत्तर खुद ढूंढने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए उसे, बोलिए जरा क्या आप इसका सही जवाब देना चाहेंगे, हाँ, आवाज़ आपकी आ रही है सुमन सर, हाँ आवाज़ आ रही है मेरी, अच्छा अच्छा मैं आपकी आवाज़ भी सुन रहा हूँ, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है मेरे पास, हाँ ओके ओके ओके, हाँ आवाज़ आपकी आई है डी, सुमन सर का कह रहे हैं भाई डी होना चाहिए, ओके ठीक है, आवाज़ आ रही है आप सबके मेरे पास। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 72 का करेक्ट जवाब जो होगा आपने बोला है ऑप्शन नंबर डी, ओके सुमन सर, सुमंत जी का भाई ऑप्शन नंबर डी है, बताइए मैं आप नीतू मैम क्या होना चाहिए आपका, विद्यार्थी जो क्लास में प्रश्न पूछता है उसे क्या कहेंगे, मतलब उससे क्या होता है,
उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए उसे। हाँ हाँ यही करेक्ट, वो आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है बोलिए जरा एक बार, ये पॉइंट किसकी तरफ जा रहा है? आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहा है। ये से कोटेशन ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका, सही डी उत्तर, खुद को ढूंढे। एक प्रश्न और लीजिए, यहां पर प्रश्न है कि सत्तावादी स्तर पर शिक्षण क्या होगा? बताइए, अध्यापक केंद्रित होता है सत्तावादी में, शिशु केंद्रित होता है, हेडमास्टर केंद्रित होता है, अनुभव पर आधारित होता है? बताइए, सत्तावादी स्तर पर शिक्षण है, बोलिए क्या? देखो शिक्षण पर, जो शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है, तो शिक्षा कक्षा में शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, उसके बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। यही कारण है कि ये जो है शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर है वो शिक्षक केंद्रित होता है। तो शिक्षक केंद्रित कहाँ पर है बताइए जरा? ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। क्लियर हो रहा है? बताइए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए जरा, यहाँ पर कह रहा है कि अध्यापकों को सार्थकता बढ़ाने के लिए शिक्षण अंतर प्रक्रिया विश्लेषण श्रेणी पद्धति किसने बनाई है? बताइए जरा, करेक्ट करिए। अध्यापकों की सार्थकता बढ़ाने के लिए शिक्षण अंतर प्रक्रिया विश्लेषण श्रेणी पद्धति किसने बनाई है? बताइए, अध्यापकों की, बोलिए, आवाज नहीं आ जा रही क्या मेरी? हेलो, क्या होना चाहिए कि अध्यापकों की सार्थकता बढ़ाने के लिए शिक्षण अंतर प्रक्रिया का विश्लेषण श्रेणी पद्धति किसने बताया है? तो फ्लैंडर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, फ्लैंडर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, किसने बताया है? फ्लैंडर, ठीक है याद रखिएगा। तो फ्लैंडर ने कहा था कि शिक्षक की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में इंटरेक्शन विश्लेषण की जो श्रेणी है उन प्रणालियों को विकसित भी किया इसी ने, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जहाँ पे टीचर की प्रभावशाली चीज़ों के बारे में बात किया कि शिक्षकों की प्रभावशीलता को अक्सर गणित और पढ़ाने जैसे मुख्य शैक्षणिक विषयों में छात्र मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण स्कोर में सुधार करने की उनकी क्षमता को मापा जा सकता है। इस तरीके क्रियाविधि जो था वह एक प्रकार से शिक्षण अंतर की प्रक्रिया में विश्लेषण श्रेणी की पद्धति के रूप में इसने फ्लैंडर ने दिया था। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। ध्यान रखिएगा संपूर्ण शिक्षा प्रणाली, अभी मैंने आपको बताया किसने दिया है, बताइए, संपूर्ण श्री महर्षि अरविंद, वेरी गुड, शाबाश संपूर्ण के बारे में। और अगर आपसे पूछा जाए कि सार्थकता बढ़ाने के लिए शिक्षण अंतर का प्रक्रिया का जो विश्लेषण श्रेणी पद्धति वो किसने दिया है, तो फ्लैंडर ने दिया है। ये आपका सही हो जाए, हाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर दीजिए, इसके बाद हम लोग यहीं से बंद कर देते हैं ना, आज के लिए इतना ही। एक नैतिक विकास की महत्वपूर्ण सिद्धांत बता दीजिए कौन सा होगा? लॉरेंस कोहलबर्ग का होगा, एरिक बेक का होगा? पहला ही ऑप्शन, हाँ लॉरेंस कोहल बर्ग हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, इसके आगे जो है कल मैं करेंगे, हम लोग करेंगे, और आप 2021 का क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा सुमन सर, मैं उसको कल भी अगर टाइम मिलेगा तो मैं कल उसको करवाऊंगा, या तो इसको कंप्लीट कर लेता हूँ इस पीडीएफ को, फिर अगला उस क्वेश्चन को ले लूँगा। ठीक है, इसमें कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं, थोड़े ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, थोड़े और हैं, ठीक है उसको भी मैं करवा दूंगा, ठीक है ना? हाँ, सारे सारे करवा देंगे, हाँ सारे, ठीक